हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो भी बोले हम लोग, वहाँ का क्वेश्चन था। बट बात की गई थी यहाँ पे CDF से रिलेटेड, मतलब क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड बात की गई थी। ये जो हमारे पास FZ दिया हुआ है, ये CDF दिया हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। हम लोग को दिया हुआ है Z is greater than 2 by Z is greater than 1, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि CDF जो हमारे पास होता है उससे मैं PDF कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो CDF टू PDF कन्वर्जन देखेंगे। बेसिकली अगर ये क्वेश्चन में बात करूँ तो रैंडम वेरिएबल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम वाले वो कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं, तो मैथ्स का भी पार्ट है, तो अपन मैथ्स के अंदर लेके चलते हैं इसको, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इस CDF से PDF कन्वर्जन की। तो CDF टू PDF कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले मैं। तो इसका अगर FZ का मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू Z, तो ये कन्वर्ट हो गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये मेरे पास PZ ले लेते हैं इसको, है ना, PZ आ गया मेरे पास। तो इसका अपन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास 1 का हो गया 0 माइनस e^-z का हो गया e^-z, और माइनस के कारण ये वाला प्लस हो गया, और ये z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। और 0 के केस में बात करूंगा तो 0 अदरवाइज, ये हो गया अदरवाइज, ठीक है ना। ये मेरे पास हो गया। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ये जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है, ये हो गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना। CDF से कन्वर्ट कर लिया अपन ने PDF। अब PDF में कंडीशन प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग कम्युनिकेशन वगैरह में BP Lathi सर की बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वगैरह की बात हम लोग करते हैं, नॉइस वगैरह की बात करते हैं, वहाँ पर हम लोग मार्जिनल वगैरह बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग को ये देखने को मिलता है। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने PDF कन्वर्ट किया, अब हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है उसकी बात करें। अब क्वेश्चन ना लड्डू हो चुका है, क्या हो गया क्वेश्चन लड्डू, कैसे मैं दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप नहीं पता वीडियो यहीं पॉज करें, पॉज करके जाएं, आप इसी पे टाइप करिए, यूट्यूब पे टाइप करिए, गेट अकेडमी में आप टाइप करिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में क्या होता है मेरे पास। अगर मैं बात कर रहा हूँ PA/B की, तो PA/B क्या होता है भैया, ये होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई क्या, PB। जो घटना हो चुकी है, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स क्या, इट इज वॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी हैपन्ड, जब B ऑलरेडी हो चुका है, उस केस में A के होने के चांसेस। अब यहाँ पर भी सेम किया हुआ है काम, ऐसा टेंशन लेने की नीड नहीं कि कुछ खास खतरनाक हो रहा है। ये सिम्बॉल को देख के कुछ लोग घबरा गए होंगे, बोल क्या रहे। अभी देखो ध्यान से आप समझना भैया, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास, ध्यान समझिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास P इज ग्रेटर देन 2, है ना, और मैं अगर बात कर, सॉरी Z इज ग्रेटर देन 2, अभी ध्यान समझिएगा, कॉमन सेंस की बात है ये। अगर मैं बोल रहा हूँ Z इज ग्रेटर देन 2 और इंटरसेक्शन में अगर बोल रहा हूँ Z इज ग्रेटर देन 1, है ना, अगर Z इज ग्रेटर देन 2 और Z इज ग्रेटर देन 1 की बात चल रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली ये बात है कि अगर Z जो है वो 2 से बड़ा होगा तो कन्फर्म 1 से बड़ा होगा, है ना। बड़ी आसान कंसेप्ट है ना, तो इसमें जाने का, अगर मैं इंटरसेक्शन या कॉमन की बात कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा वो पार्ट सारा कवर कर लेगा, और अगर वो 2 से बड़ा है तो 1 से बड़े होने के चांसेस बिल्कुल है। और ये मेरे पास हो गई प्रोबेबिलिटी, तो इसी प्रोबेबिलिटी को, कंसेप्ट को अपन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेगा, फिर मैं अप्लाई करता हूँ। अच्छा, और दूसरी बात कर ले कहाँ तक, तो इसने तो बताया नहीं मेरे को, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि कहाँ तक जाना है। इसने बोला ऐसा कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया मेरे को, 4 तक जाना, 7 तक जाना, कहीं तक बोला नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। प्रोबेबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की बात होती है, बट यहाँ पर उसने 0 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके पहले का माइनस के, इसका मतलब निगेटिव साइड का वो एरिया लेना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइड के एरिया की बात कर रहा है। एरिया, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट वॉट, एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर लेता हूँ तो ध्यान से देखेगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई। तो मैक्सिमम लोग इसको देख के, सिंबल को देख के घबरा सकते हैं कि पता नहीं है क्या बोल रहा है, बट ये एक्चुअली क्या, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। लगा लेते हैं, चलो अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ए की जगह पे मैंने रखा हुआ है क्या, जेड इज ग्रेटर देन 2, आराम से लिखते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया जेड इज ग्रेटर देन 2, इंटरसेक्शन में मैंने ले लिया जेड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। कुछ लोग सिंबल देख के घबरा सकते हैं, ऐसा सिंबल, मतलब नॉर्मली मैथ्स में ऐसा सिंबल देखने को अपने को कभी मिला नहीं होगा, तो कुछ लोग सिंबल देख के डर सकते हैं, डरने की नीड नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ऐसा एरिया मेरे को कवर करना है जहाँ पर 1 से भी ज़्यादा हो और 2 से भी ज़्यादा हो। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं 2 से ज़्यादा बोल रहा हूँ
तो कन्फर्म, अगर मैं टू से ज़्यादा बोल रहा हूँ तो कन्फर्म वन से ज़्यादा वाला एरिया कवर हो चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बात हो रही है प्रॉबिलिटी ऑफ किसकी, जेड इज़ ग्रेटर देन टू की, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, प्रॉबिलिटी ऑफ क्या, जेड इज़ ग्रेटर देन वन। अब बस प्रॉबिलिटी निकालना कैसा है, तो बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया ये। तो प्रॉबिलिटी निकालना किसकी है, इस डेंसिटी फंक्शन के लिए प्रॉबिलिटी मेरे को निकालना है। बात हो रही जेड इज़ ग्रेटर देन टू की, तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, जीरो से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, टू से, जाऊँगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे हम लोग। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैं ले रहा हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ रहा है, जेड इज ग्रेटर देन टू ना, तो ये मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ आपके पास टू से लेकर इन्फिनिटी तक, किसका करूँगा, ई रेस टू पावर माइनस जेड का करूँगा, डी जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा। यहाँ पे मेरे पास बोल रहा है वन से ज़्यादा होने की। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको बोलूँ कि आप कमेंट करें और मेरे को बताएं आंसर, बट फिर भी मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे को मेन क्या बताना था पता है, मेरे को मेन बताना था कि इसको मैंने कन्वर्ट किया पीडीएफ में, ठीक है ना, पीडीएफ में मैंने कन्वर्ट किया ये, जैसे ही पीडीएफ बना, इसके बाद दूसरा आता है कि सर इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो रहा है, देख के जिसको आप घबरा गए, ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये होता है। अब ऐसा देखने से अपने को आसान लगना चालू हुआ, जैसे ही मैंने इसको इसमें पलटाया, अब टू से ग्रेटर और वन से ग्रेटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन एकदम ही बेसिक और आसान हो चुका है, कर लो इंटीग्रेशन। अब तो मैथ्स आ गया, मैथ्स वैसे जैसे ही मैथ्स आना चालू हुआ सबको एकदम अपना फीलिंग वाला पार्ट आ गया, मैथ्स हो गया खत्म। जब भी मैथ्स की बात आती है तो ढांडे सर हम लोग को बोलते हैं मैथ्स तो अपनी फीलिंग में, तो मैथ्स आ गया तो खत्म कर दो, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। बट फिर भी थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, ई रेस्ट पावर माइनस जेड लग लेते ना, ऐसा आपको लगना चाहिए कि चलो सॉल्व हुआ क्वेश्चन, तो माइनस बाहर निकालते हैं, यहाँ माइनस जेड लगा देते हैं, ये रख देते हैं अपन टू से लेकर के इन्फिनिटी तक, और डिवाइड बाई माइनस बाहर निकाल देते हैं और ई पावर माइनस जेड कर देते हैं, कर देते हैं वन से इन्फिनिटी तक। देखो कितना आसान हो गया, ये माइनस डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी शून्य जीरो, उसके बाद डालेंगे टू, है ना, तो माइनस के जगह पे अगर मैं बात करूंगा ई पावर माइनस टू, तो लिख लेते चलो ई पावर माइनस टू, बस कुछ भी नहीं बचा बाकी, ये माइनस से माइनस कट गया, ये इन्फिनिटी डाला शून्य, फिर माइनस डाला मैंने तो ये ई पावर और माइनस माइनस वैसे भी कटेगा वन, माइनस वाला तो क्या आ गया ये वन बाई, खत्म क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आसान था।